जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन SRPS ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों का श्रीराम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, ओके, दैट इज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, गेम पैड, माइक्रोफोन, MICR, OCR, डिजिटल कैमरा, वेब कैम, टच स्क्रीन, टच पैड, ड्राइंग टैबलेट, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके। ये सब आप लोग पिछले दो लेक्चर्स में आप लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया गया अभी तक जो है ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप शाम को जो डाउट क्लास होता है आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट आउटपुट डिवाइस, ओके। सो व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, ओके। सो द आउटपुट डिवाइस, द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज स्टोर्ड डिजिटली इन द मेन मेमोरी ऑफ द सिस्टम, ओके। क्या मतलब इसका? आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से आउटपुट जनरेट किया जाता है वो मेन मेमोरी, कंप्यूटर सिस्टम के मेन मेमोरी में डिजिटली स्टोर होता है। समझ में आई बात, ओके। द आउटपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोड्यूस दीज रिजल्ट इन द यूजर रीडेबल फॉर्म, ओके। आउटपुट डिवाइस जो है, जो रिजल्ट आता है हमारा, जो आउटपुट आता है कंप्यूटर में, उसको यूजर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आउटपुट डिवाइस यूज किया जाता है, ओके। मेनली द यूजर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड आइदर इन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, ओके। मुख्यतः होता क्या है कि जैसे सपोज हम यूजर हैं, ठीक है, हम अपने आउटपुट को हार्ड कॉपी का मतलब है, जब अगर हम उसको, जो हमारा आउटपुट है, अगर हम उसको प्रिंटर से प्रिंट करके निकालते हैं, कॉपी पे निकालते हैं, तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी, ओके। और अगर हमारा जो आउटपुट है वो हमारे कंप्यूटर में ही पड़ा हुआ है, कंप्यूटर में सेव है, तो उसको हम तब तक कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। मतलब जब तक उसका उस आउटपुट का जब तक हम प्रिंट नहीं निकालते हैं, तब तक उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। प्रिंट निकालने के बाद उसको हार्ड कॉपी नाम दे दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, लेट अस डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ दीज डिवाइसेस वन बाय वन, ओके। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट लाइक मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ओके। बहुत प्रकार के आपके आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर्स हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बारे में हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है मॉनिटर के बारे में, क्योंकि मॉनिटर जो है एक बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, इसलिए उसके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है मॉनिटर? मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट, पहली बात तो क्या करता है मॉनिटर, आउटपुट को दिखाता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब आउटपुट मे बी इन टेक्स्ट फॉर्म, पिक्चर्स हो सकता है या वीडियोज हो सकते हैं, ठीक है। आउटपुट जो भी होगा ये इसी के फॉर्म में आएगा जो कि मॉनिटर डिस्प्ले करता है, ठीक है। द आउटपुट वी गॉट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर पे जो हम आउटपुट हमें मिलता है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ओके। इट इज मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, इसको सबसे ज्यादा जो यूज होता है आज के समय में, सबसे ज्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइस के रूप में ये होता है मॉनिटर, ओके। इट इज आल्सो नोन एज BDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको जो है मॉनिटर को
विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, बीडीयू, जिसका एब्रिविटेटिव फॉर्म होता है और इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब है कि जो हमारा आउटपुट होता है, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, वो हमारे मॉनिटर पे केवल दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया मॉनिटर। ठीक है, अब मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी के बेस पे मॉनिटर को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टाइप्स को डिवाइड किया गया है, मॉनिटर के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब कैटेगरीज का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्चर्स एलिमेंट्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। ओके, हायर द नंबर ऑफ पिक्सल्स बेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब क्वालिटी, जैसे आप लोग जानते हैं कि मोबाइल आजकल जो है, मोबाइल में जो कैमरे की क्वालिटी होती है वो मेगापिक्सल्स में रहती है। ठीक है, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल्स। ये मेगापिक्सल्स का मतलब है क्या, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल्स होगा उतना ही उस डिवाइस की कैमरा की क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी, ग्राफिक्स की क्वालिटी उतनी ही बेटर होगी। मोर पिक्सल्स मोर बेटर क्वालिटी। ओके, तो इन सब के बेस पे मॉनिटर को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, फर्स्ट सीआरटी कैथोड रेस ट्यूब मॉनिटर, सेकंड एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर, और थर्ड क्या है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। ओके, मॉनिटर को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रिंटर। ओके, सो प्रिंटर क्या होता है, ए प्रिंटर गिव्स द आउटपुट, ओके, टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन ए पेपर। ओके, प्रिंटर का क्या काम होता है कि जो हम, जो भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, प्रोसेस होने के बाद जो इनपुट हम देते हैं, इनपुट होने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट आता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल का मतलब है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो जो भी हम इनपुट डिवाइस से इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के पश्चात बाद में आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, और कहाँ जनरेट होता है, मॉनिटर पे होता है। अब उस मॉनिटर पे जनरेट होने के बाद हमको अगर उसका, उसको अगर पेपर पे अगर हमको प्रिंट लेना होगा तो हम किससे लेंगे, किस डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से लेंगे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट या पिक्चर्स के फॉर्म में पेपर पे आउटपुट आता है। ओके, द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड कॉपी होता है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। ओके, अब प्रिंटर को भी कैटेगराइज किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी टाइप्स ऑफ प्रिंटर अगर कहेंगे तो दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके, अब हम एक एक के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टर प्रिंटर। इसको जो है, इम्पैक्ट प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है, बिकॉज इट फॉर्म्स कैरेक्टर और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग ए प्रिंट हैमर अगेंस्ट एंड इंक रिबन, लीविंग एन इमेज ऑन पेपर। ओके, होता क्या है इसमें, इम्पैक्ट प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैरेक्टर या इमेज जो है फॉर्म होता है। कैसे होता है, प्रिंटर के अंदर एक एक रिबन लगा होता है, और रिबन जो है उस पेपर जो हमारा, मतलब प्रिंटर के अंदर जो पेपर एंट्री करता है उसके ऊपर जो है एक हैमर होता है। हैमर उस प्रिंटर से इंक जो है उस पर हमेशा जो है पुट करता है, उस पर इमेज को, ठीक है, इंक को पुट किया जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, और ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या इमेज बाय इमेज जो है प्रिंट करता है, इसीलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, दीज प्रिंटर्स, इसका जो मैकेनिज्म होता है, इट मैकेनिज्म लाइक ए टाइपोग्राफिक
टाइपराइटर, ठीक है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसकी जो वर्किंग है, वो लगभग लगभग टाइपराइटर के तरह है, टाइपराइटर के जैसा है, ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर नॉट यूज्ड सो मच, इस प्रिंटर को बहुत ज़्यादा यूज, बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेली व्हील प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? इट इज लेस एक्सपेंसिव, मतलब ये सस्ता होता है बट वेरी नॉइजी, लेकिन ये प्रिंटर जब वर्क करता है तो इसमें आवाज ज्यादा आता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर्ड इन सीपीएस, इस प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो सीपीएस में मेजर की जाती है, सीपीएस मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, ओके। दूसरा जो प्रिंटर है, दूसरे टाइप का जो प्रिंटर है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें क्या होता है, इट हैज ए डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल ऑन विच इट रोटेट्स अंटिल द डिजायर्ड लेटर इज फेसिंग द पेपर। इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक या मेटल का एक डिस्क होता है, डिस्क बना हुआ होता है, जो कि तब तक रोटेट करता है जब तक पेपर पर लेटर्स, डिजायर लेटर जो है आ नहीं जाता है, जब तक उस पेपर पर डिजायर लेटर फेस नहीं करता है तब तक वो रोटेट करता रहता है, ओके। तो ये हो गया डेजी व्हील प्रिंटर। ये दीज प्रिंटर्स इज नॉइजी एंड स्लो, ये भी प्रिंटर्स, इस प्रिंटर में भी आवाज होता है लेकिन ये स्लो काम करता है, आवाज तो होता ही है और स्लो काम करता है। डेजी व्हील प्रिंटर्स आर हार्डली अवेलेबल नाउ, ठीक है, ये प्रिंटर जो है बहुत मुश्किल से इस समय उपलब्ध है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ओके। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इज आल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर, इसको लाइन प्रिंटर भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक लाइन को एक बार में प्रिंट करता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लाइन प्रिंटर। दिस प्रिंटर फॉर्म्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस ऑन द पेपर विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड द पेपर, ओके। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो जो कैरेक्टर और इमेज को जो प्रिंट करता है वो उसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है पेपर और प्रिंटर हेड के बीच में, विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द प्रिंटर एंड प्रिंटर हेड। जो प्रिंटर हेड का मतलब है, जो प्रिंटर हेड होता है प्रिंटर के अंदर जो लगा होता है, ठीक है, चौड़ा सा होता है, वो पेपर से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। नाउ ए डेज दीज टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आजकल इस तरह के जो प्रिंटर होते हैं लगभग लगभग सभी जगह पे यूज किए जाते हैं, ओके ओके। अब हम सम ऑफ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, कुछ हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपका इंकजेट प्रिंटर, ओके। इट फॉर्म्स लेटर्स एंड इमेजेस ऑन द पेपर बाय स्प्रेइंग इलेक्ट्रिकली चार ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक फ्रॉम नोजल्स थ्रू होज, ओके। होता क्या है कि इस प्रिंटर में जो लेटर्स और इमेज प्रिंट होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट्स जो है, वो जो इंक होता है वो एक होल के जरिए पेपर पे स्प्रे किया जाता है, एक होल के जरिए जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट्स होता है इंक का, उसको पेपर पे स्प्रे किया जाता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर्ड इन एलपीएम, इस प्रिंटर की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो एलपीएम में मेजर की जाती है। एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट का मतलब है कि पर मिनट में कितने लाइंस वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। दिस प्रिंटर
इज कैपेबल बाई ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रिंट। इस प्रिंटर से हाई क्वालिटी प्रिंट प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सो ये आपका हो गया इंकजेट प्रिंटर, जो कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का जो है एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट लेजर प्रिंटर। तो व्हाट इज लेजर प्रिंटर? इट यूजेस लेजर प्रिंट टेक्नोलॉजी टू प्रिंट इमेजेज ऑन द पेपर, ठीक है। इसमें इमेज को प्रिंट करने के लिए, पेपर पर इमेज को प्रिंट करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का, लेजर तकनीक का यूज प्रयोग किया जाता है। ए लेजर प्रिंटर वर्क्स लाइक ए फोटोकॉपिंग मशीन। एक लेजर प्रिंटर जो है फोटोकॉपिंग मशीन की तरह काम करता है। आप लोगों ने फोटोकॉपी मशीन देखा होगा, उसी की तरह एकदम काम करता है। दिस गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट एंड आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। ये जो है बेस्ट क्वालिटी आउटपुट का मतलब है सबसे अच्छा क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और सबसे महंगा भी होता है। मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब सबसे अधिक महंगा होता है, ठीक है। इसका जो कॉस्ट होता है प्रिंट करने का वो कॉस्टली होता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर्ड इन पीपीएम, पेजेज पर मिनट, ठीक है। इस प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो पीपीएम में मेजर की जाती है। पीपीएम मतलब होता है पेजेज पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना पेज। अभी हम इससे पहले इंकजेट की बात कर रहे थे, इंकजेट में क्या था, एलपीएम था, लाइन पर मिनट था, यानी पर मिनट हम कितना लाइन प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि स्पीड जो है लेजर प्रिंटर की जो है इंकजेट प्रिंटर से कहीं ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया लेजर प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर क्या है? थर्मल प्रिंटर आर एक्सपेंसिव, ये भी आपका महंगा होता है, कॉस्टली होता है। विच आर यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, जो कि हाई क्वालिटी उच्च कोट की जो ग्राफिक्स होती है उसको यूज करने के लिए किया जाता है। एंड टेक्स्ट आउटपुट, ग्राफिक्स उच्च क्वालिटी का और ग्राफिक्स और टेक्स्ट को जो है आउटपुट शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देयर स्पीड कैन अप टू 200 कैरेक्टर पर सेकेंड। इसकी जो गति होती है वो 200 कैरेक्टर पर सेकेंड होती है, यानी एक सेकेंड में 200 कैरेक्टर्स यूज किया जाता है, ठीक है। देयर स्पीड कैन अप टू 200 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इसका जो है एक सेकेंड में स्पीड 200 कैरेक्टर तक हो सकता है, ठीक है, 200 कैरेक्टर तक वो प्रिंट कर सकता है, ठीक है। दीज आर वाइडली यूज इन फैक्स मशीन। इसका मुख्यतः जो यूज होता है वो प्रयोग किया जाता है वो फैक्स मशीन में, क्रेडिट कार्ड मशीन्स में या कैलकुलेटर्स में किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका थर्मल प्रिंटर, ठीक है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लॉटर के बारे में डिस्कस करेंगे, 3D प्रिंटर्स के बारे में, स्पीकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी हमको डिस्कस करने की इस चैप्टर में, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और स्टूडेंट प्लीज मेक ए प्रॉपर नोट्स फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स एंड आस्क एनी डाउट इफ यू हैव इन डाउट सेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच।